सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। आपका व्यवहार केवल आपका नहीं, आपके परिवार का प्रतिबिंब होता है। मुस्कुराहट वह हीरा है जिसे आप बिना खरीदे पहन सकते हैं, और जब तक यह आपके पास है आपको सुंदर दिखने के लिए किसी और चीज की आवश्यकता नहीं है। चिंता करने वाला इंसान पल पल मरता है, इसलिए हमेशा खुश रहो। 4 दिन की जिंदगी है, इसमें खुश रह लो, आगे पता नहीं क्या होगा। आज का पंचांग 22 मार्च 2022 दिन मंगलवार, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि सुबह 4:22 तक रहेगी। इसके उपरांत षष्ठी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। विशाखा नामक नक्षत्र रात्रि 8:14 तक रहेगी। इसके उपरांत अनुराधा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 3:34 से 5:04 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:07 से 12:58 तक रहेगा। आज चंद्रमा तुला राशि पर दोपहर 2:33 तक रहेगी। इसके उपरांत वृश्चिक राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मीन राशि पर रहेंगे। रंग पंचमी की शुभकामनाएं। मेष राशि 22 मार्च 2022 दिन मंगलवार, ग्रहों की स्थिति आपके पक्ष में है। दिन की शुरुआत अच्छी होगी, विशेषतः दोपहर से पहले। अपने ऑफिस संबंधित कामों की योजना अगर हो सके तो दोपहर से पहले ही बनाएं, सफलता की संभावना अधिक है। शाम को या तो कुछ ना करें या कोई हल्का फुल्का काम करें, कोई अप्रत्याशित व्यक्ति आपसे मिलने आ सकता है। दिन की शुरुआत में कुछ परेशानियां आ सकती है, लेकिन बाद में परिस्थितियां पूर्णतः अनुकूल हो जाएगी। आपकी योग्यता और काबिलियत की समाज और रिश्तों के बीच सराहना होगी। विद्यार्थियों को आशा के अनुरूप परिणाम मिलने से राहत मिलेगी। नकारात्मक विचारों को महत्व ना दें। बार बार विचार करने की वजह से आपके प्रयत्न भी बदल सकते हैं। अंतिम लक्ष्य पर ध्यान देते रहना होगा और उसके प्राप्ति के लिए जो मेहनत जरूरी है उसे करते रहने की आवश्यकता है। काम की जगह के लोगों की नाराजगी आपके प्रति बढ़ने की आशंका बन रही है। पार्टनर को ठीक से समझने की कोशिश करें। नींद को पूरा करने पर जोर देना होगा। सावधानियां। वाहन अथवा किसी महंगे उपकरण के खराब होने से अत्यधिक खर्चा होने की संभावना है। जल्दबाजी और भावुकता में कोई भी निर्णय ना ले, इससे बना बनाया काम बिगड़ सकता है। किसी भी के साथ भी बहस में पड़ने की वजह मौन रहना ज्यादा अच्छा। बात करते हैं लव लाइफ की। दांपत्य जीवन सामान्य पूर्ण बना रहेगा, प्रेम संबंधों में भी मधुरता रहेगी। अब यह जरूरी है कि आप अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं को स्पष्ट तरीके से अपने साथी को बताएं। आपका संचार काफी अस्पष्ट रहा है जिसने प्रेम और रिश्तों में भ्रम की स्थिति पैदा की है। आज के दिन सभी गलतफहमी को दूर करने और अपने रिश्ते के लिए जीवन की शक्ति को नवीनीकृत करने के लिए एकदम सही है। अपने साथी से कुछ सीख सकते हैं जो कि पूरी तरह से अनपेक्षित और आपको आश्चर्यचकित करने वाला होगा। बात करते हैं करियर की। आज आप सबसे बड़े ग्राहकों में से एक के साथ अपने सौदे को अंतिम रूप दे सकते हैं। उनके साथ एक लंबी अवधि के अनुबंध पर आप हस्ताक्षर करने के लिए आगे बढ़ें। ग्राहक वित्तीय संसाधनों से परिपूर्ण है जिससे कि आपके कार्यस्थल पर वित्तीय बोझ कम होगा। आपको अगर ग्राहकों से और सौदे लेने हैं तो आपको अपने सामान्य ज्ञान का अच्छा परिचय देना होगा और साथ ही साथ उन्हें एक अच्छी व्यापारिक सेवा देनी होगी। इस समय व्यवसाय संबंधित किसी योजना या व्यवसाय की यात्रा दोनों को ही स्थगित रखना जरूरी है। अपनी कार्य प्रणाली में बदलाव लाने के लिए कुछ नियम बनाने जरूरी है। सरकारी सेवारत लोगों को अपने कार्य के प्रति बहुत अधिक ध्यान रखने की जरूरत है।
अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित कोई खास काम करने का अवसर भी मिल सकता है, ख्याति बढ़ सकती है, ऐसा नवीन परिचय बन सकता है जो कि आगे जाकर विशिष्ट रूप ले सकता है, परंतु थकावट की अधिकता रह सकती है। बात करते हैं सेहत की। सर्वाइकल अथवा कंधों के दर्द की वजह से परेशान रहेंगे, व्यायाम और योग करना इसका उचित समाधान है। आपका शारीरिक कइयों का शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन आपकी भावनात्मक स्थिति काफी नाजुक है। कोई भी तनाव या भावनात्मक दबाव अपना असर जरूर दिखाता है और जरूरत से ज्यादा संवेदनशील भी महसूस कर रहे हैं। अगर आप अपने तनाव से निपटने का अच्छा सा समाधान नहीं करते तो आपका स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है। अपने दिल के करीबी मामलों में नाटकीय स्थितियों और विवादों से बचें। आज का उपाय। आज आप हनुमान भगवान जी को केवड़े का इत्र और गुलाब की माला चढ़ाएं। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।